बनाने वाले हैं ऑरेंज चिकन। ऑरेंज चिकन बनाने के लिए लेंगे चिकन ब्रेस्ट पीस, उसके लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़े बना लें और फिर इसमें शामिल करें 2 अदद नींबू का रस, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए रख दें। अब हम चिकन पर कोट करने के लिए मैदे का मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए लेंगे 5 खाने के चम्मच मैदा, 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 अदद अंडा शामिल करें, 5 खाने के चम्मच मिक्स करें और पानी की मदद से मिक्सचर को तैयार कर लें। गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करें। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मैदे की गुठलियां ना रहें। मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच तेल शामिल करें। मिक्स करें। अब इसमें मैरिनेट चिकन शामिल कर दें। मिक्स करें। चिकन फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालें, चिकन डालें, तेज आंच पर फ्राई करें। 5 से 6 मिनट फ्राई करें। हमारी सारी चिकन फ्राई हो चुकी है। और हमने कढ़ाई से निकाल लिए। कढ़ाई में 4 खाने के चम्मच तेल डालें, 1 खाने का चम्मच कटा हुआ लहसुन डालें, 1 खाने का चम्मच
बारीक कटी हरी मिर्च डालें। एक खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालें। इतना फ्राई करें। एक खाने का चम्मच चीनी डालें। इतना फ्राई करें कि लहसुन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। एक कप ऑरेंज जूस शामिल करें, मिक्स कर लें। तीन खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करें। दो खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल करें। तीन खाने के चम्मच गार्लिक सॉस शामिल करें। मिक्स करें। आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल करें। हल्का सा नमक शामिल करें। मिक्स करें। अब फ्राई चिकन ऑरेंज सॉस में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें। ऑरेंज चिकन मैंने पास्ता के साथ सर्व किए, आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बनाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।